जब हम विश्व के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कई राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें कुछ काफी प्रतापी रहे तो कुछ दुष्ट, लेकिन आज हम एक ऐसी महारानी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास काफी क्रूर माना जाता है। जी हाँ, दुनिया के कई ऐसे सीरियल किलर्स हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें ज्यादातर मर्द थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे खतरनाक महिला थी, बल्कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर महिला के रूप में जाना जाता है। इस महिला का शौक ऐसा था जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो हम आइए बात करते हैं उस सीरियल किलर महारानी के बारे में और जानते हैं उनके अजीबोगरीब शौक। बता दें कि हम बात कर रहे हैं हंगरी की रहने वाली महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे खतरनाक और वैसी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उसके खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। फिर क्या था, एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार किया करती थी। आपको बताएं कि एलिजाबेथ हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने से थी। उनकी शादी फ्रेडरिक नेडेस्डी से हुई थी, जो कि तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के राष्ट्रीय हीरो थे। बताया जाता है कि एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी। वे स्लोवानिया के महल में रहती थी और उन्होंने वहीं पर सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ ने साल 1585 से 1610 के दौरान लगभग 650 से भी ज्यादा लड़कियों को काट कर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद वह इनके खून को एक टब में भरवाती थी, फिर घंटों इससे नहाती थी। माना जाता है कि उन्हें कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का शौक था, इसी के चलते वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। उनके शिकार में ज्यादातर कुंवारी लड़कियां ही होती थी। उसे लगता था कि इसके खून से नहाने से उसकी जवानी सारी उम्र बरकरार रहेगी। खुद को जवान रखने के जुनून ने उसे दुनिया की नंबर वन सीरियल किलर बना दिया था। इतना ही नहीं, सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी की हदें पार करती थी। प्रचलित कहानियों के मुताबिक वह मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काट कर निकाल लेती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ के इस भयानक जुर्म ने कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ के इस भयानक जुर्म में उनके तीन नौकर भी उसका साथ देते थे। कहा तो यह भी जाता है कि लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने के वजह से वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी, लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हंगरी के राजा को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। इसके बाद साल 1610 में हंगरी के राजा के आदेश के बाद उसे तीन नौकरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सब के तथ्यों के मद्देनजर उसे महल में ही कैद कर दिया गया था। करीब 4 साल बाद उसकी इसी महल में मौत हो गई थी। उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने एलिजाबेथ बाथरी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था ड्रैकुला। उपन्यास के मुताबिक बाथरी के निशाने पर ज्यादातर गांव की लड़कियां होती थी, क्योंकि वह आसानी से उसके चुंगल में फंस जाती थी। एलिजाबेथ के ऊपर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई गई है।